श्रीलंका अनुपमा में अनुज और अनुपमा के प्यार का अब एक नई शुरुआत तो दूसरी तरफ देखने को मिलने वाला है। काफ़ी खुश हंगामा आने वाले एपिसोड में देखने को मिलता है कि अनुपमा अनुज को अपने दिल की बात कह ही देती है, लेकिन अनुज को यकीन ही नहीं हो रहा था और उसकी आंखों पे आंसू आ रहे होते हैं। देखने को मिलता है कि अनुपमा एक एक चीज उसे गिनवा देती कि उसके दिल में तो अनुज कब का आ चुका है। बापूजी ने फिर एहसास करवाया कि उसे अनुज को अपने मन में आ देना चाहिए और उस दिन से उसने उसे अलग ही नज़र से देखना शुरू कर दिया। फिर समर का मान लिखना और एक एक चीज़ उसने गिनवा दी, कैसे वो अनुज के घर पर आती है और कितना खुश होती है और उसके हाथ पर दिल बना होता है और वो कैसे ऑफिस में भी उसको देख कर खो जाती थी। हर चीज़ उसे गिनवा देती है जिससे कि अनुज एकदम से शॉक्ड हो जाता है और देखने को मिलता है कि अनुपमा एक लेटर निकालती है और उसके बाद में उसे जो इंग्लिश में वर्ड्स लिख कर आती है और कहती है कि हमारा प्यार भी अलग है, हमें सिर्फ एक दूसरे का साथ चाहिए, तो मैं भी अब साथ ही मांगूंगी। सात शब्दों से सात जन्मों का साथ मांग लेती है अनुपमा और वो ये कि आई वॉन्ट टू ग्रो विद ओल्ड विद यू। और ये सुनकर अनुज तो खुशी के मारे उछल पड़ता है। अनुज को यकीन ही नहीं हो रहा था और कहता है कि आज मेरे सारे जन्मों का प्यार मुकम्मल हो गया और वो उसे बार बार वही शब्द रिपीट करने के लिए कहता है। अनुपमा और दोनों ही बेंच पर बैठ जाते हैं और एक दूसरे के आंसू पहुंचते हैं। अनुपमा उसका चश्मा हटाती है और उसके चश्मे को वापस उसे पहनाती है साफ करके। तो देखने को मिलता है दूसरी तरफ की तोशु यहाँ पर पहुँचता नहीं है रेस्टोरेंट में और किंचल बेचारी इंतजार करके वापस आ जाती है और बुके हाथ से लेकर उसको गुस्से में फेंक देती है और अंदर जाती है रूम में और वहाँ काफ़ी गुस्सा होती है। और तब तोशु कहता है कि मैं पापा के साथ बिजी है, तुम्हें तो पता है ये मालविका को काम की कुछ नहीं पड़ी है, लेकिन मैं उनको बीच में कैसे छोड़ कर आ जाता। लेकिन किंचल कहती है कर लोग काम इसलिए करते हैं ताकि उनकी ज़िंदगी बेटर बने, इसलिए नहीं कि ज़िंदगी खराब हो जाए। और वो बुरी तरह से भड़कती नजर आती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी रिश्ते की मेरी नहीं है, तुम्हारी भी है। और तोशु से समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो अब नहीं समझने वाली। तो दूसरी तरफ अनुज और अनुपमा अपने सात जन्मों के वादे निभा यहाँ पर करते नजर आते हैं और अनुज और अनुपमा देखने को मिलता है कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। और अनुज कहता है कि फाइनली मुझे मेरे साथ जन्मों का प्यार मुकम्मल हो ही गया। और उसके बाद में वो अपना केक बनाया हुआ लेकर आते हैं, दोनों एक साथ में केक कटिंग करते हैं और एक दूसरे को वैलेंटाइंस डे विश करते हैं, फिर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। दूसरे दिन अनुज उठता है और उसे यकीन ही नहीं होता कि वे सब कुछ सच था जो भी रात में हुआ। और वो अनुपमा को जल्दी से नॉक करता है दरवाजा और अनुपमा भाग कर आती है और सोचती पता नहीं क्या हो गया, लेकिन अनुज कहता है कि रात को वो सब कुछ हुआ था वो सच था। तो अनुपमा उसे पिंच करती है और कहती है कि हाँ सब कुछ सच था, अब कि हमें चाय की प्याली में आपका हाथ डुबोकर बताओ करो। तो अनुज कहता है फिर भी मुझे लगता है कि मुझे यकीन नहीं होगा। और अनुज का इस तरह से बेचैन हो जाना अनुपमा को काफ़ी पसंद आता है। इन दूसरी तरफ देखना होगा कि मालविका की हालत खराब हो चुकी है और अब काफ़ी कुछ ड्रामा भी होगा।